My precious friend. मेरे बहुमूल्य दोस्तों. God says you are my chosen vessel. परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे चुने हुए पात्र हो. And he says my chosen ones will long enjoy the work of their hands. और वो ये कहते हैं कि मेरे जो चुने हुए लोग हैं वो अपने हाथों के कामों का आनंद उठाएंगे. Isaiah 65:22. यशायाह 65 वचन 22 ये कहता है. God wants you to enjoy the fruit of your labor. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने कामों का पूरा फल उठाएं, उसका लाभ उठाएं. And he wants you to enjoy it for a long time. और वो चाहते हैं कि आप काफी लंबे समय तक इसका आनंद उठाएं. Sometimes when you retire from service, you feel everything has come to an end. आप कई बार जब अपनी नौकरी से रिटायर होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल खत्म हो चुका है. No. नहीं. For all your faithfulness. आपकी सारी विश्वास योग्यता के लिए. Especially the faithfulness in serving him. और खास करके उसकी सेवा करने में विश्वास योग्यता. After that, he will make you enjoy the reward for your labor. और उसी के बाद वो आपको आपके मेहनत के प्रतिफल का आनंद उठाने देंगे. Yes, he is going to make you enjoy everything that you have labored for. आपने जिस बात के लिए भी मेहनत की है उन सारी बातों का वो आपको आनंद उठाने देंगे. Those who sow in tears will reap with joy. और जो लोग आंसुओं के साथ बोते हैं वो बड़े आनंद से फसल की कटनी कर पाएंगे. This is God's promise for you. ये आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है. For whom does he do this? वो ये किसके लिए करेंगे? For those who are chosen by God. उनके लिए जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं. The Bible says in Matthew 22:14. मत्ती 22:14 में बाइबल इस तरह से कहती है. Many are called. बहुत से लोग बुलाए हुए हैं. But few are chosen. लेकिन उनमें से केवल कुछ ही चुने हुए हैं. Many are called by God. परमेश्वर ने बहुत से लोगों को बुलाया हुआ है. But very few are chosen. लेकिन उनमें से केवल कुछ ही चुने हुए हैं. When God chooses you. जब परमेश्वर आपको चुनते हैं. For what does he choose you? वो आपको किसके लिए चुनते हैं? The Bible says in 1 Peter 2 and verse 9. पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 9 में बाइबल कहती है. You are a chosen people. कि तुम तो चुने हुए लोग हो. A royal priesthood. तुम राजपद घराना हो. A holy nation. और पर तुम पवित्र प्रजा हो. A people for God's own possession. और तुम तो परमेश्वर की निज प्रजा हो. So that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness. ताकि जिसने तुम्हें अंधकार में से ज्योति में बुलाया है ताकि तुम उसकी महानता को प्रकट करते चले जाओ. My friend. मेरे दोस्तों. God has several titles for you. परमेश्वर ने आपके लिए बहुत से शीर्षक रखे हैं. He has chosen you. उसने आपको चुन लिया है. To be a royal priest. कि आप राजपदधारी याजक हो. To be a royal. कि आप राजा के हो. Because you have denied yourself. क्योंकि आपने खुद का इनकार किया है. And you have carried the cross. और आपने क्रूस उठाया है. And decided to follow Jesus. और यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है. He says you will be a royal priesthood. ये कहता है कि तुम राजपदधारी याजक होंगे. And he says you'll be a holy nation. और ये कहता है कि तुम पवित्र प्रजा होंगे. Holiness will flow out of you to other people. आप में से पवित्रता दूसरे लोगों तक बहती चली जाएगी. Yes, he says, because I am holy, you will also be holy. और वो यही तो कहते हैं क्योंकि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो. He says, let those who are filthy be more filthy in the world. और वो कहते हैं कि जो लोग गंदे हैं, मैले हैं, बुरे हैं, वो और भी बुरे होते जाएं. But you who are holy, you become more holy. लेकिन तुम जो पवित्र हो तुम और भी ज्यादा पवित्र होते जाओ. Because you're a holy nation. क्योंकि तुम परमेश्वर के लिए पवित्र लोग हैं. And thirdly, a people for God's own possession. और फिर तीसरी बात है परमेश्वर की निज प्रजा हो. You are God's possession. आप स्वयं परमेश्वर की संपत्ति. The Holy Spirit is in you. पवित्र आत्मा आप में है. Only through you the Lord Holy Spirit is working in the world. केवल आप ही के द्वारा पवित्र आत्मा प्रभु संसार में काम करेगा. The gifts of the Holy Spirit are working only through you. पवित्र आत्मा के वरदान केवल आप ही के द्वारा काम करेंगे. Your body is God's possession and his temple. आपका शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है, उसका भवन है. He has called you for this. ने आपको इसी के लिए बुलाया है. To carry the Holy Spirit in you. कि आप अपने अंदर पवित्र आत्मा को लेकर चलें. To proclaim the excellencies of God. कि परमेश्वर की उत्तमता का दावा करते जाएं. Wow, what a great blessing. ये सच में कितनी महान आशीष है. Today, honor your body.
आज अपने शरीर का आदर कीजिए। Honor the calling he has given you. उसने आपको जो बुलाहट दी है उसका आदर कीजिए। And honor the grace to walk in holiness. और पवित्रता में चलने के लिए उसका जो अनुग्रह है उसका आदर कीजिए। Which God has given you. जो परमेश्वर ने आपको दिया है। Through you, the nation and the people of the nation will live. आपके द्वारा संसार के जो देश है वो जीवित रहेंगे। That's why he has connected you with the Jesus Calls ministry to bring God's love, compassion and life to millions of people. और इसीलिए परमेश्वर ने आपको Jesus Calls सेवकाई के साथ में जोड़ा कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की करुणा लाखों लोगों के जीवन तक ले जा सके। Now, thank God for this grace. अब उसके परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम उसका धन्यवाद दें। You're not an orphan. आप अनाथ नहीं हैं। You belong to Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के हैं। Your body belongs to Jesus. आपका शरीर प्रभु यीशु मसीह का है। Your name belongs to Jesus. आपका नाम प्रभु यीशु मसीह का है। Now you will long enjoy the work of your hands. अभी आप अपने हाथों के कामों का पूरा लाभ उठाएंगे, आनंद पाएंगे। He will bless the work of your hands. और वो आपके हाथों के कामों को आशीष देंगे। Father, let it be so for your children. पिता ऐसे ही हो यीशु के नाम में। Let your Holy Spirit perfect everything in their life. तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में सब कुछ बिल्कुल सिद्ध कर दे। They have labored so much, Lord. इन्होंने इतनी मेहनत की है प्रभु। Let them and their children receive all the grace, all the prosperity. और ये और इनकी संतान सारा अनुग्रह, सारी संपन्नता पाए। Let it come from heaven in Jesus' name. स्वर्ग से आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। Give them a beautiful house. इन्हें सुंदर घर दीजिए। And a golden future. सुनहरा भविष्य दीजिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. God bless you and reward you. प्रभु आपका आशीष दे।